नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेलवे स्टेशन पर अमानक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की विक्रय की प्राप्ति शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य विभाग एवं नगर निगम की टीम ने रेल सुरक्षा बल के साथ दूसरा पुल के पास स्थित अन्न बस्ती नेहरू नगर जबलपुर में छापामार जांच की कार्रवाई की। कार्रवाई में इब्राहिम एंड कंपनी के बेस किचन से खाद्य तेल एवं समोसे और मेघना राजेंद्र कुमार मंगला के बेस किचन से चावल और फूड ड्रिंक के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई में इब्राहिम एंड कंपनी के बेस किचन को और एक अन्य अनाधिकृत फर्म जिसका संचालक अमित नेगी उर्फ गुज्जी के बेस किचन को FSSAI लाइसेंस नहीं होने से सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों फर्मों में पाए गए घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को भी जब्त कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अस्वच्छ एवं अस्वस्थ कर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और प्रथम दृष्टया मानक होने की आशंका होने पर नगर निगम की टीम द्वारा खाद्य सामग्री की जब्ती एवं विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी की गई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, किस तरह की ये कार्रवाई हो रही है, क्या सूचना मिली? आज RPF से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वेंडर्स अवैध रूप से रेलवे को सड़े गले समोसे आदि वितरण करते हैं। चूँकि वो सीमा क्षेत्र हमारा यानी नगर निगम क्षेत्र पड़ रहा था, इस क्रम में हमारी और RPF की संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापा मारा है। छापे में देखने में आया कि तीन वेंडर पाए गए हैं जो अलग अलग कंपनी से रेलवे की लाइसेंस पे खाद्य सामग्री यहाँ बना रहे हैं, जो बिल्कुल अनहाइजीनिक मैनर्स में बिना अप्रशिक्षित लोग खाद्य सामग्री बना रहे हैं, वो विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। नियम क्या है, किस तरह की जगह होनी चाहिए, क्या क्या माप? नियम तो प्रॉपर इनको नगर निगम के अधीन हमारा FSSAI का लाइसेंस लेना चाहिए, उसके मानकों के अनुरूप जैसे खास जो आपके फूड हैंडलर्स हैं उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चिकना 5 फीट तक टाइल्स लगा होना चाहिए, वो कोई मानक यानी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? अभी तो हम जितना इन्होंने सामान बनाया है वो सारा जब्त करके विनिष्टीकरण करवाएंगे और अगले आदेश तक कार्य करने से रोकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।